नारायणपुर से 55 किलोमीटर दूर आमदाई को निको माइनिंग कंपनी का संचालन किया जा रहा है, जहां लौह अयस्क परिवहन व खनन कार्य किया जाता है। वहीं प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि माइनिंग कंपनी खुलने के पहले माइनिंग प्रबंधन के द्वारा कई तरह के लुभाने वादे व प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई थी। वहीं अब खदान प्रारंभ होने के बाद कंपनी अपने वादों से मुकरते हुए ग्रामीणों को अनदेखा कर रही है। माइनिंग कंपनी एक तो ग्रामीणों को रोजगार नहीं दे रही है, वहीं दूसरी ओर माइनिंग के तेज रफ्तार ट्रकों का कहर लगातार देखने को मिलता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, साथ ही ग्राम धूल के गुबार से ढका रहता है। सड़क किनारे के दुकान मकान मालिक अपने घर व दुकान के सामान झिल्ली ढककर रहने को मजबूर है, तो वहीं माइनिंग के ट्रकों से खराब हुए डामरीकृत पक्की सड़क पर कंपनी मरूम डालकर लीपापोती करने में लगा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण अपनी भूख मिटाने अन्य राज्य जाने की तैयारी में जुट गए हैं, जो इन आदिवासी ग्रामीणों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन से रोजगार के बारे में चर्चा करने पर कहा जाता है कि जहां जाना है चले जाओ, जो करना है कर लो, हम रोजगार नहीं दे सकते। ग्रामीणों ने कहा कंपनी अपने किए वादों को पूर्ण नहीं करती है, तो प्रभावित क्षेत्र के सभी ग्रामीण एकजुट होकर माइनिंग कंपनी के खिलाफ कलेक्ट्रेट को शिकायत कर धरना प्रदर्शन करेंगे। कोमल मांझी छोटडोंगर का हूँ, बैदराज का सुपुत्र। यहाँ इतना समस्या है, जितना माइन से खुल गया ना वहाँ से बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गया है। एक तो रोड खराब, यहाँ शिक्षा का भी अभाव, प्लस हमारे यहाँ बेरोजगार मन ऐसे पड़े हैं कि वहाँ तमिलनाडु मद्रास कहाँ कहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक ही बार तो लगा कौन तो चश्मा मन के दिए थे फोकड़ छाप टाइप का, उसके बाद यहाँ दे ही नहीं रहे हैं। करते हैं कई बार लड़के लोग अब अलग अपना अपने हिसाब से, अभी तो लड़के लोग अभी तैनात हुए हैं कि अब सीधा मद्रास जाएंगे, तमिलनाडु कलेक्टर यहाँ वो आवेदन दे के जाएंगे बोल रहे हैं, बाहर काम करने जाएंगे, बाहर जाएंगे। अब यहाँ नहीं मिल रहा है गाँव में खुला है करके, तो अब बाहर जाएंगे बोल रहे हैं। नारायण नाग धौड़ाई का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है यहाँ का? समस्या तो भारी समस्या है, आप देख रहे हो साल भर पहले यहाँ डामरीकरण हो चुका है, और ये पहला राज्य और पहला देश होगा जो डामरीकरण के बाद मुर्मीकरण हो रहा है। आप भली भांति देख रहे हैं मशीन लगा हुआ है, एक साल पूर्व है, साल भर भी नहीं हुआ है और डामरीकरण के बाद मुर्मीकरण हो रहा है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि दुख खबरी है प्रशासन जाने की, और राज्य में और हमारे देश के लोग भी समझे कि इतना जल्दी खराब हुआ है। अब ये माइंस के कारण है, यहाँ पर डे कम से कम 300-400 गाड़ी चल रही है और इसका कोई ध्यान दे नहीं रहा है। और इसका जो मूल सुविधा जो ले रहे हैं प्रॉपर डोंगर वाले ले रहे हैं, हम धौड़ाई वाले को कोई कुछ भी सुविधा नहीं, ना हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिल रहा है, ना यहाँ का कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, और यहाँ सिर्फ धौड़ाई वाले धूल खा रहे हैं। इतना परेशान है कि आदमी घर में ढक के रहना पड़ता है, झिल्ली टंगे पूरे दुकानों में देखिए, पूरे घरों में देखिए, झिल्ली टंगा हुआ है सामने में, पूरे धूल पे धूल, एक किलोमीटर आदमी जाएगा तो पूरे धूल से ढक जाएगा, ये स्थिति है यहाँ की। तो अभी आपकी क्या मांगे है? यहाँ की क्या मांगे, मांगे होने से भी क्या पूरी होगी? अब ये पहला हम ऐसा देख रहे हैं हमारे जिले की कि डामरीकरण के बाद मुर्मीकरण हो रहा है, इससे बड़ी और क्या मांग करने से मांग मिलेगा? लोग तो WBM होता है, मुर्मीकरण होता है, उसके बाद डामरीकरण होता है। मेरा नाम हरिराम मांझी है, मैं वर्तमान ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। जानते हो आप लोग भी कि यहाँ पे माइंस खुला हुआ है सभी रोजगार के लिए, सभी जगह जब गांव में खुला है तो सभी रोजगार के लिए, तो कोई भी पढ़े लिखे युवा है वो तो मांग करेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत का तो अधिकार में है ही नहीं। अब ग्राम पंचायत सात पंचायत के हो भी, हम लोग उनको कई बार आवेदन दिए हैं कि आप अभी भर्ती प्रक्रिया चालू करो, तो अभी तैयार है चालू करने के लिए, लेकिन किस तहत के तहत प्रक्रिया चालू करेंगे अभी हम लोग भी कंफ्यूज में हैं। रोड आप लोग तो अभी मुख्यालय से छोटे डोंगर तक आए हैं, देखे होंगे कि रोड की क्या स्थिति है। हम लोग तो कई बार कलेक्टर सर को भी इस संबंध में आवेदन दे चुके हैं, मौखिक में भी बोले हैं और आवेदन भी हमारे पास है, पावती भी लिए हैं, बंद टेंडर हो गया है बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसका कब से उसका चालू करेंगे ये हमको भी पता नहीं है। रोड से तो समस्या होना ही छूना है, क्योंकि पूरा रोड तो डैमेज हो गया, जिनकी क्षमता नहीं है वो तो आप देख ही रहे हैं, 12 टन का क्षमता है जो उसमें 35 टन जो ज़्यादा 23 टन जो माल जा रही है उसमें तो रोड डैमेज तो हो ही गया है अभी, और उसके बाद अब मालगाड़ी भी चल रही है देख रहे हो, रास्ता भी ठीक नहीं है। मेरा नाम दीनबंधु है, मैं छोटे डोंगर पारा मुंडा टिकराखा निवासी हूँ। यहाँ समस्या सबसे पहले तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बहुत तड़पे हुए हैं, और कितने लोग पलायन किए हैं, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
जाना चालू किए हैं, क्योंकि बहुत दिन से प्रयास करके देखे कि हमको रोज़गार मिलेगा, और माइंस के प्रबंधक से भी बोले कि हमको रोज़गार दीजिए, फिर भी वो कोई एक भी नहीं सुन रहे हैं। और पहाड़ी में ले जाके हम गाय चराते थे, वो बंद हो गया, और हम लोग गाय बैल को बेचने में मजबूर हो गए, हमारे पास कोई चारा चराने के लिए जगह नहीं है, और इधर रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से हम लोग किस प्रकार जिएंगे, और आज हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस बात की दुख है हमें। क्या बोलते हैं कंपनी प्रबंधक? कंपनी प्रबंधक यही बोलते हैं कि अब यहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा, जहाँ करना है कर लो। इस प्रकार परेशानी रह गई तो हम गांव में एकता होकर हम कलेक्ट्रेट में जाके बैठे रहेंगे, जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है।